वेल हेलो दोस्तों बुजुर्गों, मैं हूं हसन रहमान। आप सभी को मेरे YouTube चैनल जुबिन का मोटर में स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा। सबसे पहले ये नाट खोलना होगा, उसके बाद देख लीजिए ये तो पहले मर रहा है। और ये वाला खराब हो चुका है और ये बुशिंग भी खराब हो चुका है। देख लीजिए बुशिंग देख लीजिए। ये लेट मशीन में फिटिंग करना होगा और ये बुशिंग आप खुद फिटिंग कर सकते हो, देख लीजिए। और ये पाइप कैसे ब्लॉक करना है, कैसे फिटिंग करना है, ये वीडियो है यहाँ पर आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए। आपको दिखाऊंगी ये खुल के फिटिंग करके, आप लोगों को दिखाऊंगी, देख लीजिए। तो दोस्तों, और ये जो नाट है, नाट को खुलना पड़ेगा। तो ये 24 नंबर नाट है, देख लीजिए। ये नाट को खुलने के बाद ये ड्रम बाहर आ जाएगी। इसके अंदर बेयरिंग है, बेयरिंग कितने नंबर है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग हर बार मेरे को कॉल करके और वीडियो व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे को पूछते हो, कमेंट करके पूछते हो बेयरिंग का नंबर कितना है, आप लोगों को बताइए। मैं इस वीडियो में दिखाई दिया, आप लोग देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक। अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना। लास्ट तक देखोगे तो बेयरिंग का नंबर कितना है आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये नट खुलना पड़ेगा, नट खुल के ये जो बेयरिंग है इसके अंदर दोनों बेयरिंग को चेंज करने वाला हूँ। आप लोग देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक। अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना। आप लोग जितना लाइक करोगे उतना वीडियो बनाने का मन करता है। जो अंदर की एक वॉशर रहता है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, देख लीजिए। ये वॉशर जो ये वॉशर अच्छे से फिटिंग नहीं करोगे तो जो ये आपका बेयरिंग फिटिंग होने वाला जो हम ये एक्सेल कहते हैं इसको ये ख़राब हो जाएगी। ख़राब हो जाएगी तो ड्रम बाहर नहीं निकलेगी। तो दोस्तों ये ध्यान से आराम से फिटिंग करना। एक दोस्त ने मेरे को कॉल करके बताया जाए दूसरी मेकर ने ये सही तरीके से फिटिंग नहीं किया तो ये ख़राब हो गया है, तो ड्रम बाहर नहीं निकल रहा है। उन्होंने बहुत तकलीफ हो गया है उसका जो ड्रम बाहर निकलने के लिए। दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये वॉशर को आराम से बाहर निकाला और आराम से इसको एडजस्ट करके फिटिंग कराऊंगी। दोस्तों वीडियो को अच्छे से लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, लास्ट तक देख लीजिए वीडियो को, तो बहुत इस वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों देख लीजिए, मैंने बेयरिंग को बाहर निकाला हूँ और कुछ समझ नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, मुझे बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। देख लीजिए दोस्तों, इससे बाहर निकलना पड़ेगा ड्रम को, तो मैं बाहर निकला हूँ। और बेयरिंग का नंबर क्या क्या है आप लोग देख लीजिए लास्ट तक। ये है बेयरिंग, देख लीजिए, एक है NBC कंपनी और एक है APC कंपनी। दोनों बेयरिंग अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और नंबर क्या क्या है और कितने का प्राइस है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक। अच्छा लगे तो ज़रूर एक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देख लीजिए, ये है बेयरिंग का नंबर 32005X। ये है बेयरिंग का नंबर और प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 722 रुपया। तो देख लीजिए, तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन, आप लोग लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। आप लोग जितना शेयर करोगे, लाइक करोगे उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। दोस्तों मेरा आशा है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके वीडियो देखते हो उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। और आपका दोस्त के पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और ज़रूर बनाऊंगी। तो देख लीजिए, ये है दूसरी बेयरिंग, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बाहर रहेगा ये बेयरिंग, और वो जब पहले दिखेगा वो अंदर की तरफ से रहता है, जो बाहर की तरफ से रहता है ये बेयरिंग। इसका नंबर है 3024, देख लीजिए। और इसका प्राइस है 260 रुपया। तो कुछ देख लीजिए, ये है डिस्काउंट मिलता है। और आप लोग देख लीजिए वीडियो को अच्छा लगेगा, ज़रूर एक लाइक कर देना। ये बाहर की तरफ से बेयरिंग है, देख लीजिए, ये है, ये छोटा वाला बेयरिंग है, आप लोग दिखा रहा हूँ। और आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, तो ये पैकेट उल्टा पुल्टा हो गया था, ये इसका बेयरिंग उस इस कोमर बेयरिंग इसके अंदर घुस गया, उसका बेयरिंग इसके अंदर घुस गया, उल्टा पुल्टा हो गया। पहले उल्टा पुल्टा कर दिया हम लोग, तो ये बेयरिंग है उस कोमर की और वो बेयरिंग है इस कोमर की। तो आप लोग ज़रूर अच्छा लगा होगा वीडियो को लास्ट तक। तो देख लीजिए, मैंने इस ड्रम को खोल लिया और ये ब्रेक शू, देख लीजिए ब्रेक शू कैसा है। तो ऐसे फिटिंग करना ज़रूरी है आप लोगों को। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, वॉशर भी इसके अंदर देना ज़रूरी है। तो बेयरिंग अच्छे से फिटिंग करना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख लीजिए, ये मैंने खोल के रखा है, ये वॉशर देना ज़रूरी है अंदर, ऐसा नहीं दोगे तो जाम हो जाएगी ड्रम। और देख लीजिए, ये वॉशर, ये फिर एक पाइप है, पाइप भी तो ज़रूरी देना पड़ेगा। तो ये पाइप अंदर नहीं डालोगे तो आपका बेयरिंग पहले मरेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये देख लीजिए बेयरिंग कवर है, इसको ज़रूर देना पड़ेगा क्योंकि ग्रीस बाहर नहीं निकालेगी। ये ऑयल सील भी लगाना पड़ेगा, देख लीजिए। ये ऑयल सील नहीं लगाओगे तो फिर जो ग्रीस है, ग्रीस ब्रेक शू के अंदर जाएगी और ये यहाँ से जो
कवर रहता है, ये कवर भी ऐसे लगाना ज़रूरी है तो ग्रीस बाहर नहीं निकलेगी। ये कवर नहीं लगाओगे तो बाहर निकल जाएगी। तो नहीं आपका गाड़ी पे लगा हुआ नहीं है तो ये ज़रूर लगाना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये लगाओ। और ऑयल सी भी लगाना ज़रूरी है, ये दोनों की ज़रूरी है इस गाड़ी में फिटिंग करने के लिए। तो वीडियो को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके आपका नंबर दे सकते हैं मेरे को, और डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए ही, तिल तेन टाटा बाय बाय, दूसरी वीडियो में मिलेंगे जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट